गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखो हम ट्रायंगल और क्वाड्रेंट से रिलेटेड एरिया एंड पैरामीटर पढ़ रहे थे। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें हमारे क्या दे रखा है, जैसे कुछ शेडेड पोर्शन दे रखा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस टाइप से करेंगे, देखो क्या होता है, शेडेड पोर्शन का मीन जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया इस टाइप से, या कोई जैसे आपको पार्क दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसके अंदर अलग से आपको पोर्शन दे दिए एंड बाकी आपको इसको शेडेड कर दिया है, तो इसके अंदर मान लो आपको इसका एरिया पूछा जाए, तो आप किस टाइप से करोगे। शेडेड पोर्शन का जब भी एरिया पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शन है ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी एंड अंदर एक सर्कल बन रहा है जिसके रेडियस आर है, तो आप इस टाइप इस अब जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया देखो सबसे पहले आपको जो बिगेस्ट है, बिगेस्ट पोर्शन क्या है इसमें, रेक्टेंगल, तो पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे एंड इसके अंदर किसका एरिया सबट्रैक्ट करेंगे, सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। कंप्लीट का एरिया निकालना पहले, कंप्लीट का निकालने के बाद जो ये इसको इसका एरिया इसमें से सबट्रैक्ट करना है, तो आपके पास किसका एरिया बच जाएगा, शेडेड पोर्शन का। तो जैसे शेडेड पोर्शन ही हो गया, इसका एरिया कैसे होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रिक्टेंगल, मतलब पहले जो बड़ा पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें जो छोटा पोर्शन उसका एरिया सबट्रैक्ट करना है, तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो इस शेडेड पोर्शन का यहाँ पे शेडेड पोर्शन इसका एरिया निकालना है, तो पहले इसमें कंप्लीट का निकाल लो, कंप्लीट क्या है आपके पास रिक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल माइनस इसमें छोटा क्या सर्कल बन रहा है, तो इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसी टाइप से देखो क्वेश्चन देखते हैं शेडेड पोर्शन से रिलेटेड क्या क्या होता है। देखो फर्स्ट तो जैसे आपके पास आ गया, सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर से रिलेटेड, तो स्क्वायर दे दिया आपको, ये क्या है स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर के आउटसाइड आपको 2 मीटर ब्रॉड एक रोड दे रखा है। यहाँ पे क्या आपके पास एक स्क्वायर है या फिर स्क्वायर है, इसमें इनसाइड आपको रोड दे दिया या फिर स्क्वायर इसके आउटसाइड रोड दे दिया, जो भी उस टाइम देखते, देखो जैसे आपको स्क्वायर पार्क दे रखा है एबीसीडी जिसका साइज कितना है 16 मीटर, एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड कितना 16 मीटर। अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो पढ़ाता है कि स्क्वायर्स में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस ये अगर 16 मीटर तो भी कितना होएगा 16 मीटर, ये भी 16 मीटर, ये भी 16 मीटर एंड इसके इनसाइड एक आपको रोड दे रखा है 2 मीटर ब्रॉड, 2 मीटर ब्रॉड का मीन्स 2 मीटर चौड़ाई का एक रोड दे रखा है आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, अंदर की ओर दे रखा है एंड ये 2 मीटर ब्रॉड, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है, इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है एक स्क्वायर पार्क दे रखा है जिसका साइज कितना है 16 मीटर, उसके इनसाइड आपको एक 2 मीटर ब्रॉड रोड दे रखा है, 2 मीटर ब्रॉड रोड दे रखा है, तो आपको इसका रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो पहले बड़ा क्या है, इसमें बड़ा क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है एंड छोटा भी ये भी क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, तो आपको इसका एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया ऑफ बिगेस्ट स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे देखो मैं बात करता हूँ जो साइड ऑफ ये बिगेस्ट स्क्वायर, इसका साइड कितना हो जाएगा आउटर आउटर स्क्वायर है, साइड ऑफ आउटर स्क्वायर कितना आ गया आपके पास दे रखा है 16 मीटर। नेक्स्ट में बात करता हूं इनर, जो आपको इनर स्क्वायर दे रखा है, साइड ऑफ इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर की बात करता हूं, देखो ये इनर स्क्वायर की ये साइड है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ये कंप्लीट कितना है 16 मीटर, अब ये इसको देखते हैं तो इसकी साइड कहां है, यहां से लेके यहां तक ओनली, तो देखो जनरली इधर भी 2 मीटर ब्रॉड है, ये भी 2 मीटर ब्रॉड रोड, तो 2 मीटर इधर से सबट्रैक्ट करना है, 2 मीटर इधर से सबट्रैक्ट करना है, मीन्स टोटल कितना सबट्रैक्ट हो गया 2 + 2 = 4 मीटर सबट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा इनर स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा 16 - 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, मीन 16 - 4 = कितना आ गया 12 मीटर। तो देखो यहाँ पे आपके पास इसका एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगेस्ट स्क्वायर या एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर,
ये कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट किया तो इसमें कंप्लीट आ गए, इसमें से इतना का एरिया वापस सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास एरिया बच जाएगा, इस रोड का एरिया बच जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एंड माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। हमारे पास आउटर स्क्वायर का साइड दे रहेगा 16 मीटर, एंड इनर स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना है, तो ये कंप्लीट 16 मीटर है, 2 मीटर इधर से सेपरेट करना है, 2 मीटर इधर से सेपरेट करना है, 2 मीटर इधर से 2 मीटर दोनों तरफ 2 मीटर सेपरेट हो गया, तो टोटल कितना ये इसका लेंथ कितना आ गया इनर साइड का, 16 माइनस 4 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर 4 मीटर सेपरेट कर दिया तो कितना आ गया 12 मीटर। तो यहां पे देखो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, यहां पे एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड स्क्वायर, आउटर स्क्वायर की साइड कितनी है 16 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 16 माइनस इनर स्क्वायर का अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इनर स्क्वायर का साइड कितना आ गया हमारे पास 12 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो मींस यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, सबट्रैक्ट करेंगे 6 से 4 2, 5 से 4 1, 2 से 1 112 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया क्या होता है, जो आपको बिगेस्ट दे रखा है उसका एरिया, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें से जो स्मॉलेस्ट दे रखा है उसका एरिया सबट्रैक्ट करना है, तो आपके पास एरिया बच जाएगा शेडेड रीजन का। यहाँ पे आपको स्क्वायर पार्क दे रखा है, अगर ये मान लो ये इनसाइड हो गया आउटसाइड हो गया तो भी यही लगेगा इसके अंदर, अगर आपको आउटसाइड रोड दे रखा है, मान लो ये पार्क है इसके आउटसाइड रोड दे रखा है, या फिर ये कंप्लीट पार्क है इसके इनसाइड रोड दे रखा है तो भी ऐसे ही करना। यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपको बिगेस्ट स्क्वायर है या फिर आउटर स्क्वायर उसका साइज कितना है 16 मीटर, एंड जो इनर स्क्वायर इसका साइड हमारे को दे नहीं रखा, बट जो रोड है 2 मीटर रोड है 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, तो इसका साइड कितना हो गया, ये कंप्लीट कितना था 16, तो 2 मीटर इधर से सेपरेट हो गया, 2 मीटर इधर से सेपरेट हो गया तो कितना हो गया 4 मीटर सेपरेट हो गया, तो कितना हो गया 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 मीटर। आपको आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, उससे से माइनस करना है इनर स्क्वायर का एरिया, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करता हूं जैसे आपको रिक्टेंगल पार्क दे रखा है तो भी इसी टाइप से हो जाएगा, अगर आपको दे रखा है रिक्टेंगल पार्क दे रखा है, रिक्टेंगल पार्क है इसके इनसाइड आपको एक या फिर आउटसाइड दे रखा है, अब इसके आउटसाइड आपको क्या दे रखा है 2 मीटर ब्रॉड रोड दे रखा है, एंड ये जो इनसाइड है इसका लेंथ तो आपको 20 मीटर, एंड इसका ब्रेथ आपको कितना है, इसका ब्रेथ दे रखा आपको 10 मीटर। देखो बात करते हैं रोड के, आपका ये रोड दे रखा है आपको, तो इसके अंदर देखो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसी टाइप से करेंगे, पहले क्या करेंगे आउटर रिक्टेंगल का एरिया, एंड उसमें से क्या सेपरेट कर देंगे इनर रिक्टेंगल का एरिया, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ रोड। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इनर रिक्टेंगल, इनसाइड रिक्टेंगल, इनर रिक्टेंगल लेंथ कितना आपके पास 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 10 मीटर, एंड अगर मैं आउटर रिक्टेंगल की बात करता हूं, आउटर रिक्टेंगल की बात करता हूं तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये आउटर रिक्टेंगल है, यहां से लेके यहां तक आपको कितना दे रखा है 20 मीटर, अभी ब्रॉड कितना 2 मीटर, 2 मीटर तो कंप्लीट कितना हो गया, इधर भी 2 ऐड कर दो, इधर भी 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 20 + 4 24 मीटर, एंड इसकी ब्रेथ की बात करता हूं तो ये कितना दे रखा आपको 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, अब 2 मीटर इधर और 2 मीटर ये, तो 4 मीटर एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 + 4 14 मीटर। अब एरिया ऑफ रोड देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ आउटसाइड
स्लिप एंगल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ इसका इसका एरिया क्या हो जाएगा, रोड का एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगल, आउटसाइड रेक्टेंगल इसका एरिया, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल का एरिया, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगल, ये आउटसाइड रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल कितना है 20, बी कितना है इसमें आपके पास, आउटसाइड का लेंथ कितना है 24 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 14 मीटर, ये 20 है तो ये 20 इधर का 2 इधर का 2 तो कितना हो गया 24 मीटर हो गया कंप्लीट। तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगल, कितना हो जाएगा 24 इंटू ब्रेथ कितना आउटसाइड 14 माइनस इनसाइड रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसका लेंथ कितना 20 ब्रेथ कितना 10, 20 मल्टीप्लाई 10 देखो 14 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 14 4 या 56 5 कैरी, 14 2 या 28, 28 प्लस 5 33 336 माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो 200 इक्वल टू कितना आ गया 336 माइनस 200 कितना आ जाएगा 136 मीटर स्क्वायर। देखो इसको दोबारा क्या दे रखा है आपको, आपको यहाँ पे दे रखा है एक रेक्टेंगल पार्क दे रखा है, उसके आउटसाइड आपको 2 मीटर ब्रॉड रोड दे रखा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इनर रेक्टेंगल इसका लेंथ भी दे रखा है 20 मीटर एंड इसका ब्रेथ भी दे रखा है 10 मीटर, इस शेडेड एरिया का जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो बिगेस्ट इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसमें से स्मॉलेस्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इस रोड का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे इनर रेक्टेंगल के अंदर लेंथ आपको दे रखा 20 मीटर, ब्रेथ भी दे रखा 10 मीटर, दोनों दे रखे। बात करते हैं आउटसाइड रेक्टेंगल की, तो इसका लेंथ भी नहीं दे रखा, ब्रेथ भी नहीं दे रखा, तो इसका देखो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ की बात करते हैं तो ये यहां तक तो आपको दे रखा कितना 20 मीटर एंड 2 मीटर ब्रॉड इधर है, 2 मीटर ब्रॉड इधर है, तो कंप्लीट कितना हो गया 24 मीटर। इसी टाइप से ब्रेथ भी कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर है यहां तक, ये 10 मीटर है बट 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो 4 मीटर एड कर दिया तो कितना हो गया 14 मीटर। तो इसका एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल। तो आउटसाइड एक रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो आउटसाइड रेक्टेंगल लेंथ कितना आपके पास 24 मीटर, ब्रेथ कितना 14 मीटर, तो 24 इंटू 14 माइनस इनसाइड का लेंथ कितना 20 मीटर, ब्रेथ कितना 10 मीटर, 20 इंटू 10 तो ये कितना होगा 336 माइनस 200 तो कितना आएगा 136 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है क्या दे रखा है, रेक्टेंगल पार्क दे रखा है, इसमें समझना देखो अलग टाइप से आ गया। अगर ये रेक्टेंगल पार्क है, ये आपको दे रखा है कितना 40 मीटर लेंथ है एंड इसका ब्रेथ आपको दे दिया कितना 20 मीटर। अब इसमें टू पैरेलल रोड है इनसाइड, फर्स्ट रोड तो ये आपके पास इसमें एंड सेकंड रोड ये, एंड जो रोड है ये क्या आपके पास 3 मीटर ब्रॉड है या 4 मीटर, 3 मीटर ब्रॉड मान लो, तो आपका एरिया किसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोड। देखो क्वेश्चन दोबारा समझना क्या दे रखा है, आपको एक पार्क दे रखा है रेक्टेंगल शेप का जिसका लेंथ कितना है 40 मीटर, ब्रेथ कितना 20 मीटर, आपको इसमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है। इसके इनसाइड टू रोड दे रखे हैं, एक तो लेंथ के पैरेलल दे रखा है और एक ब्रेथ के पैरेलल दे रखा है। एक रोड तो किसके पैरेलल दे रखा है, जो लेंथ इसके पैरेलल दे रखा है, और एक रोड है क्या जो इसका ब्रेथ है इसके पैरेलल रोड दे रखा है। तो आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है, रोड का फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जैसे सबसे पहले बात इसमें एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोड। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर ओनली एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है यहाँ पे 3 मीटर रोड है,
एंड ये भी कितना है, इस साइड से भी कितना, ये भी कितना, दूसरा नोड भी कितना, 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, फिर भी कितना लगेगा 3 मीटर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं रोड का, तो ये एक तो ये हो गया आपके पास रोड, इस रोड का लेंथ कितना आपके पास 40 मीटर, 40 मीटर लेंथ कितना आपके पास यहाँ पे, एंड ब्रेथ कितना है, जो ये दूसरी रोड की बात करता हूँ इसका लेंथ कितना हो जाएगा, जो इसका ब्रेथ है वो 20 मीटर। देखो बात करता हूँ फर्स्ट रोड की, इसकी इसको फर्स्ट पार्ट देते हैं एंड इसको सेकंड पार्ट देते हैं, तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखो ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि देखो इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है, अगर आप मैं जैसे इस रोड की बात करता हूँ जो इसकी लेंथ के पैरेलल रोड है, जो इसकी लेंथ है पार्क की, इसके पैरेलल रोड कौन सा है, ये इसके पैरेलल रोड है। अगर मैं इस रोड की बात करता हूँ तो इसके अंदर देखो ये क्या है, इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ है, मतलब क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। तो इसके अंदर देखो ये वाला एरिया क्या इसके, इसको लेता हूँ तो भी इसके अंदर आ रहा है ये एरिया इसमें आ रहा है। अगर मैं अब जो इसके ब्रेथ के पैरेलल है, तो इसके ब्रेथ इसके पैरेलल जो रोड दे रखा है इसकी बात करता हूँ तो भी इसके अंदर क्या है, ये वाला एरिया इसमें भी आ रहा है। तो ये वाला एरिया देखो फर्स्ट में भी आ गया, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी आ गया, तो टू टाइम इसमें आ रहा, फर्स्ट पार्ट में आ गया ना ये एरिया तो कंप्लीट। बट अगर मैं इसकी ब्रेथ के पैरेलल लेता हूँ तो इस रोड के अंदर इसके अंदर भी एरिया आ रहा है, तो इस एरिया को आपको इसमें से माइनस करना है। एंड ये एरिया क्या है, इसका लेंथ भी कितना 3 मीटर, ब्रेथ भी कितना 3 मीटर, स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितना है इसका 3 मीटर है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसकी ये भी कितने 3 मीटर है एंड ये भी कितना 3 मीटर है, तो यहाँ पे इसमें आपको माइनस करना है 3 × 3। इसको दोबारा समझना इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, अगर आपको रोड दे रखा है इसमें इनसाइड रोड दे रखा है, क्रॉस रोड दे रखा है, वन रोड तो क्या इसके लेंथ के पैरेलल है, सेकंड रोड क्या इसके ब्रेथ के पैरेलल है, तो इसका आपको एरिया रोड कैसे फाइंड आउट करना है, अगर आप इस रोड का एरिया फाइंड आउट कर लोगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर इनकरेक्ट है। आपको इसमें देखो क्या करना है, जब फर्स्ट रोड है तो लेंथ के पैरेलल है इसका एरिया फाइंड आउट करना, सेकंड रोड है तो ब्रेथ के पैरेलल है इसका एरिया फाइंड आउट करना। एंड अब इसमें देखो कॉमन चीज क्या है, जैसे मैं लेंथ के पैरेलल लेता हूं तो इसमें भी ये एरिया आ रहा है, एंड अगर ब्रेथ के पैरेलल लूंगा तो भी ये एरिया आ रहा है, तो ये एरिया इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, टू टाइम रिपीट हो रहा था, आपको वन टाइम इसको वापस सबट्रैक्ट करना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना 3 मीटर है, ये भी कितना 3 मीटर है, तो इसमें ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो मीन 3 × 3 आपको इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इसका लेंथ कितना आपके पास दे रखा है आपको 40 मीटर, तो कितना आएगा 40 × इसका ब्रेथ कितना 3 मीटर प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, उसका लेंथ कितना हो गया 20 मीटर एंड ब्रेथ कितना 33 मीटर, 20 × 3 माइनस 3 × 3 = 9, ये कितना आ गया 43, कितना हो गया 120 प्लस 23 कितना हो गया 60 माइनस 9, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 माइनस 9, तो कितना आ गया 171 मीटर स्क्वायर। देखो दोबारा समझते हैं, इसको क्या दे रखा है, आपको एक रिक्टेंगल पार्क दे रखा है जिसका लेंथ है 40 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर, उसके इनसाइड टू रोड दे रखे, क्रॉस रोड दे रखे, वन रोड तो क्या लेंथ के पैरेलल है एंड सेकंड रोड है इसकी ब्रेथ के पैरेलल है, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली इस फर्स्ट लेंथ के पैरेलल उसको फर्स्ट पार्ट दे दिया, तो ब्रेथ के पैरेलल उसको सेकंड पार्ट दे दिया हमने, तो यहाँ पे इनका देखो फर्स्ट पार्ट इसका लेंथ तो आपको देगा 40 मीटर, इसका ब्रेथ भी देगा 3 मीटर, सेकंड पार्ट है इसका लेंथ ये हो गया, जो इसका ब्रेथ है 20 मीटर एंड इसका ब्रेथ आपको देगा 3 मीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट माइनस 3 × 3 क्यों किया, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, माइनस 3 × 3 क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया है जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये वाला एरिया फर्स्ट पार्ट में भी आ रहा है एंड इस सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो ये एरिया इसमें भी आ रहा है, तो इसमें से एक बार इसको सबट्रैक्ट करना है। तो इस टाइप से फर्स्ट पार्ट का एरिया फर्स्ट पार्ट का लेंथ आपका 40 मीटर × 3 मीटर प्लस सेकंड में रेक्टेंगल बनता है सेकंड पार्ट, इसमें लेंथ कितना है 20 मीटर × 3 मीटर माइनस 3 × 3 = 9, तो 43 कितना हो गया 120 प्लस
23 जा 60 माइनस 9 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 माइनस 9 171 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लो आपको ये रोड दे रखा है एंड आपको इनका एरिया पूछ ले रिमेनिंग पार्ट का, तो अब आप कैसे करोगे? ये जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मान लो गार्डन दे रखा है इनमें, तो इस गार्डन का एरिया ग्रास, इसमें ग्रास है तो इस ग्रास का एरिया पूछ ले, तो आप कैसे करोगे? फिर आपको इसका एरिया तो आ गया, अब आप इसको कैसे करोगे? 1 2 3 4 ये इसमें ग्रास दे रखा है, इसका एरिया कैसे करेंगे? कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 40 मीटर ब्रेथ 20 मीटर कितना हो जाएगा? 40 × 20 800 मीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो रोड का एरिया माइनस, तो 800 माइनस 171 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 से 1 9 9 से 7 2 एंड 7 से 1 6 6 टू 9 मीटर स्क्वायर। अगर इसका पूछ लिया जाए तो भी आपको क्या करना है? इसको तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, इसका फाइंड आउट करके कंप्लीट में से माइनस कर दो तो आपको इनका एरिया आ जाएगा, जो ये पोर्शन है ना इनका एरिया आ जाएगा। एंड रोड का फाइंड आउट करना, वो हमने देख के रोड का कैसे फाइंड आउट करना, देखो नेक्स्ट देखो देखो सेकंड से आपको दे रखा है सर्कल दे दिया, इसे सर्कुलर पार्क दे दिया एंड इसके आउटसाइड आपको रोड दे दिया, आपके पास क्या सर्कुलर पार्क है एंड इसका रेडियस आपके पास कितना 7 मीटर एंड आपको इसके आउटसाइड एक रोड रोड दे दिया, वो कितना ब्रॉड है 7 मीटर ब्रॉड रोड है, तो ये रोड है देखो आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रोड, रोड है या शेडेड पोर्शन हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था जब भी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है तो आपको जो बिगेस्ट पोर्शन उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें से स्मॉलेस्ट पोर्शन इसका एरिया सबट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, सबसे मैं बात करता हूं ये क्या बन रहा है हमारे पास इनसाइड, क्या बन रहा है सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है सर्कल जिसका रेडियस कितना है 7 मीटर। सर्कल टॉपिक नेक्स्ट, इसके बाद जो सेकंड इसके बाद जो टॉपिक हो सर्कल टॉपिक हो उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी अभी आपको सर्कल का एरिया क्या होता है उसका फॉर्मूला पता होगा तो उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, अगर मैं इनसाइड जो सर्कल बन रहा है इसके रेडियस की बात करता हूँ, रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल कितना देगा आपको 7 मीटर, कितना देगा 7 मीटर। अब मैं इसके आउटसाइड भी एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, इसके अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो ये भी सेंटर इसका ये रहेगा, सेंटर जो रहेगा इसका, तो यहाँ पे देखो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ तक है एंड इसके बाद 7 मीटर ब्रॉड है, तो कितना हो गया 7 + 7 14 मीटर, तो आउटसाइड रेडियस ऑफ आउटसाइड सर्कल कितना हो जाएगा 7 + 7 = 14 मीटर। देखो दोबारा समझना, आपको इनसाइड सर्कल उसका रेडियस देगा 7 मीटर एंड इसके आउटसाइड आपको रोड देगा 7 मीटर, तो आपको यहाँ पे जो आउटसाइड रोड इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल या एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड सर्कल, तो आपके पास किसके इसका कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसमें से इस पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास इस रोड का एरिया रिमेनिंग बच जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल कितना 7 मीटर, आउटसाइड सर्कल की रेडियस की बात करते हैं तो 7 मीटर तो ये हो गया, 7 मीटर ब्रॉड हो गए तो कितना हो गया 14 मीटर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड हो जाएगा आउट एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल, एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड सर्कल, एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड सर्कल। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको पता है पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7। सर्कल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।
इसके बाद आपको इतना ध्यान रखना सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। इसके अलावा अगर पॉइंट में आपको 3.14 भी होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल क्या हो जाएगा पाई, इसमें रेडियस क्या आउटसाइड का आर, रेडियस ऑफ आउटसाइड स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ इनसाइड स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन क्या पाई, तो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ आउटसाइड स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनसाइड स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इनटू रेडियस ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड कितना है 14, तो स्क्वायर ऑफ 14 माइनस स्क्वायर ऑफ इनसाइड कितना 7। इसके बाद देखो इधर तो कितना हो जाएगा 22/7। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर अभी हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ा इसके, चलो वैसे कर लेते हैं 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 इनटू 196 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 49, तो देखो कितना हो जाएगा 22/7 इनटू 196 माइनस 49 कर दो 196 माइनस 49, 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 एंड यहाँ पे 8 हो गया, 8 से 4 को बोलेंगे 4 एंड 1 1 4 7, तो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है 7 2 जा 14 7 1 जा 7, तो 21 into 22 तो 22 बन जा 22 2 कैरी 22 2 जा 44 44 प्लस 2 46 462 मीटर स्क्वायर। देखो इसको इधर समझना दोबारा, आपको इस बार क्या दे रखा है एक सर्कल पार्क दे रखा है, सर्कुलर पार्क दे रखा है, उसके आउटसाइड 7 मीटर आपको ब्रॉड एक रोड दे रखा है, तो आपको इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। आपको जो सर्कल दे रखा है रेडियस कितना 7 मीटर है एंड जो रोड है कितना ब्रॉड है 7 मीटर ब्रॉड रोड है, तो रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल कितना हो गया दे रखा आपको ऑलरेडी 7 मीटर। अगर मैं रेडियस ऑफ आउटसाइड सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस की बात करता हूँ यहां तक 7 मीटर हो गया एंड 7 मीटर ब्रॉड हो गया, तो 7 + 7 = 14 मीटर हो गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल, इस कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसमें से इसका एरिया सेपरेट कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रोड बच जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है या 3.14 भी होता है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ आउटसाइड सर्कल तो पाई रेडियस ऑफ आउटसाइड सर्कल स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो पाई दोनों में कॉमन है, पाई को कॉमन है तो यहाँ पे कितना बच गया रेडियस ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल का स्क्वायर। यहाँ पे आर ओ का मीन्स क्या रेडियस ऑफ आउटसाइड सर्कल, आर आई का मीन्स क्या रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल, यहाँ पे पाई का 22/7 रेडियस ऑफ आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल का रेडियस कितना 14 मीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल कितना है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 22/7 इनटू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो गया 22/7 इनटू इन दोनों को सेपरेट करें तो 147 7 से कैंसिल आउट हो रहा 21 टाइम, तो कितना हो गया 21 into 22 = 462 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक आपके दे रखा है सर्कल दे रखा है, सर्कल दे रखा है, इस सर्कल में आपको रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, इसका लेंथ आपके पास कितना 24 मीटर एंड इसका ब्रेथ आपके पास कितना 7 मीटर। आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के इनसाइड एक रिक्टेंगल दे रखा है, रिक्टेंगल का लेंथ है 24 मीटर ब्रेथ है 7 मीटर एंड ये आपको शेडेड पोर्शन दे दिया है, इसके एरिया फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बड़ा कौन है सर्कल एंड इसके छोटा कौन है रिक्टेंगल,
तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, तो आप क्या करोगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ आपको 24 मीटर एंड ब्रेथ है 7 मीटर। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 24 मीटर एंड ब्रेथ है कितना 7 मीटर। तो अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया तो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब सर्कल की बात करते हैं, देखो सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस नहीं है, तो इसका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस के लिए क्या करेंगे, तो इसका डायमीटर फाइंड आउट मिलेंगे, डायगोनल फाइंड आउट मिलेंगे। ये किसका डायगोनल हो गया, रिक्टेंगल का। ये मान लो मैं बात करता हूँ एबीसीडी का एक रिक्टेंगल है, तो एसी क्या हो गया इसका डायगोनल हो गया, तो डायगोनल हो गया एंड ये इसका क्या हो जाएगा सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। सर्कल क्या हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि होता क्या है जो सर्कल के अंदर रिक्टेंगल होता है उसका डायमीटर हमेशा उसके सेंटर सॉरी उसका जो डायगोनल होता है हमेशा सेंटर से पास होता है, तो सेंटर से अगर पास हो रहा तो इसका क्या हो गया डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। तो क्या हो जाएगा इन सर्कल इसका इसका तो डायगोनल एंड इसका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। तो सर्कल का डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो बात करता हूं, हमने डायगोनल रिक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट एल कितना हमारे पास 24 स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 प्लस 7 का 49, रूट में कितना आ गया 625 मींस 25 मीटर। आपका डायगोनल कितना आ गया 25 मीटर, तो रेडियस क्या होता है डायगोनल का हाफ होता है, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास 25/2 मीटर। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, सबसे पहले एरिया किसका फाइंड आउट करेंगे सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल क्या होता है एल मल्टीप्लाई बी। आपका रेडियस आगे तो कितना हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 25/2 × 25/2 माइनस लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, लेंथ कितना है 24 इंटू ब्रेथ कितना आपके पास 7। अब देखो अगर कैंसिल आउट हो रहा है क्या 2 से हो रहा है कितना टाइम 2 × 11 टाइम, अब कितना हो जाएगा 11 इंटू जब इसको अप कर देते रेडियस आ गया हमारे पास, रेडियस कितना है 25/2। देखो कितना हो जाएगा इसके बाद इधर देखते हैं इसको कितना हो जाएगा 11 × 25 × 25 × 25 कितना हो गया 625 × 11/7 कितना है 7 × 14 एंड माइनस 24 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 टू कैरी 7 × 14 = 16 168। इसको कैलकुलेशन कर लेना, इसको पॉइंट पे चलो कर लेते इसको पॉइंट पे फाइंड आउट 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 कैरी 11 से 2 टाइम 11 × 2 = 22 22 + 5 = 27 2 कैरी 11 × 6 = 66 66 + 2 = 68 6875 / 14 − 168। देखो इसको डिवाइड करते कितना आएगा 6875 / 14 14 से कितना टाइम 14 × 4 = 56 कितना 2 एंड इससे 1 नेक्स्ट 7 अब कितना टाइम जा रहा है 14 से 9 टाइम 1 × 6 1 कैरी एंड 15 1 टाइम कितना आ गया 14 1 इधर पॉइंट इधर 0 अब भी नहीं जा रहा तो 0 एंड 0 14 कितना टाइम 7 टाइम तो कितना आएगा 491.07 491.07।
491.07 माइनस 168, इसमें सेपरेट कर दो कितना हो जाएगा 491.07 माइनस 168.00, तो 07 एंड 1 से 8 सेपरेट नहीं होता, इधर से कैरी लेंगे इधर 8, इधर 11, 11 से 8 सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा 3 पॉइंट का पॉइंट, एंड 8 से 6 को 2 एंड 4 से 1 को 3, तो 323.07 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। देखो इधर दोबारा समझना क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन दे रखा है एक सर्कल दे रखा है उसके इनसाइड एक रेक्टेंगल दे रखा है एंड इसका जो शेडेड पोर्शन दे रखा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, आपको रेक्टेंगल लेंथ दे रखा है ब्रेथ दे रखा है ओनली, तो इसमें क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए रेडियस चाहिए हमारे को एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, तो यहाँ पे लेंथ दे रखा है आपको 24 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 7 मीटर, हमने इसका रेडियस फाइंड आउट किया तो कितना आएगा 25.2 एंड रेडियस क्या है इसका, ये देखो देखा जाए क्या होगा डायगोनल हो गया रेक्टेंगल का, ये एसी जो डायगोनल है एंड एसी क्या सर्कल का डायमीटर है, तो इसका डायगोनल फाइंड आउट किया तो कितना आएगा 25 और इसका क्या आ गया 25 डायमीटर, 25 डायमीटर रेडियस कितना हो जाएगा 25.2 इसका रेडियस आ गया आपके पास, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते देखो तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मींस आर कितना 25.2 तो 25.2 इंटू 25.2 माइनस रेक्टेंगल की बात करते लेंथ कितना 24 इंटू ब्रेथ कितना है 7, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन किया 2 से 11 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना हो गया 11 इंटू 25 इंटू 25 तो 25 इंटू 25 625 इंटू 11 अपॉन 7 टू जा 14 माइनस इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया 168, तो इसका कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया हमारे पास 323.07 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट मारते देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, आप क्या दे रखा है इस बार एक स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रहा है स्क्वायर दे रखा है एंड स्क्वायर के इनसाइड आप क्या दे रखा है सर्कल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है इसका लेंथ कितना है 14 मीटर, एबीसीडी का एक स्क्वायर है जिसका लेंथ कितना है ए बी सी डी एंड ये शेडेड पोर्शन है, एबीसीडी इज स्क्वायर एंड इसका साइड कितना आपके पास दे रखा है 14 मीटर, जब आप क्या दे रखा है एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा है एंड इसके इनसाइड एक सर्कल दे रखा है, आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें बड़ा कौन स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या सेपरेट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए तो हमें साइड दे रखा है तो साइड स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, बट अगर बात करते सर्कल की तो सर्कल में आपको क्या नहीं दे रखा है यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखा एंड सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको रेडियस होगा, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पहले बात करते सर्कल में इन सर्कल इधर समझना, अगर मैं बात करूं ये स्क्वायर है तो ये 14 मीटर तो ये भी यहाँ भी 14 मीटर होगा यहाँ भी 14 मीटर यहाँ भी 14 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा और एक तरह से क्या हो गया इसका डायमीटर हो गया किसका सर्कल का, देखो ये 14 मीटर तो ये 14 मीटर होगा क्योंकि स्क्वायर में क्या है ये भी पैरेलल होती है ये पैरेलल होता है एंड पैरेलल साइड्स में हमने क्या पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे 14 मीटर ये भी 14 कहीं भी ले लो 14 मीटर रहेगा इनके बीच में डिस्टेंस, तो ये 14 मीटर तो ये क्या हो गया इससे डायमीटर हो गया सर्कल का, सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 14 मीटर, अब ये पता है डायमीटर 14 मीटर रेडियस क्या होता है हाफ होता है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 कितना 7 मीटर, अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ स्टेडियम डिवीजन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड आपको कितना 14 मीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना का 14 का स्क्वायर 196 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना आपका 7, तो रेडियस स्क्वायर तो 7 × 7 कैंसिल, 196 माइनस 24, 22 × 7 कितना हो गया 154, इसको सेपरेट करो कितना हो गया 6 से 4 2, 9 से 5 4 1 से 1 0, तो कितना गया 42 मीटर स्क्वायर। देखो ये दोबारा समझ, इसको क्या दे रखा है आपको, इस बार दे रखा है एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के इनसाइड आपको एक सर्कल दे रखा है, स्क्वायर का साइड आपके पास 14 मीटर, स्क्वायर का साइड कितना है 14 मीटर एंड स्क्वायर साइड यहाँ पे 14 मीटर है एंड आपको एक सर्कल दे रखा है इसके इनसाइड, तो इस आपको जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है एंड स्क्वायर का साइड कितना आपके पास 14 मीटर, स्क्वायर का साइड कितना है 14 मीटर। हमें नेक्स्ट बात करता हूँ इसकी सर्कल की, तो सर्कल में देखो ये क्या है इसका, ये दोनों पैरेलल साइड से, ये 14 मीटर, ये क्योंकि पैरेलल साइड पे हमेशा डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर, तो ये क्या हो गया इसका डायमीटर हो गया 14 मीटर, डायमीटर 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, रेडियस कितना रहेगा 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर आ गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इसका सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मीन 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू रेडियस कितना 7 × 7 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 196 माइनस 22 × 7 कितना हो गया 154, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अगर यही क्वेश्चन देखो आपको इस टाइप से भी दे सकता है तब कैसे करोगे, अगर ये क्वेश्चन मान लो ये डिफरेंट टाइप में दे दे आपको, किसने क्या किया वन सर्कल इधर बना दिया एंड वन सर्कल इधर बना दिया एंड इसे शेडेड रीजन दे दिया एंड वो ही आपको 14 मीटर दे दिया, तो इसमें भी देखो जनरली देखो यहाँ पे आप समझना आपको क्या है, ये स्क्वायर है ये 14 मीटर है, तो ये क्या हो गया जैसे ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल दोनों को मिलाया क्या हो गया कंप्लीट सर्कल हो गया, इसका डायमीटर 14 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया 7 मीटर, तो आपको वही कंप्लीट सर्कल हो गया वो सेम इसी टाइप से होगा, या फिर आप सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो फिर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो दोनों को एड करके इस कंप्लीट स्क्वायर में से माइनस कर दो तो भी आपको वही आएगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट, एक आपको स्क्वायर दे रखा है, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का साइड आपको कितना 16 मीटर, स्क्वायर का साइड क्या 16 मीटर, ये आपको स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी, अब इनमें क्या कर रहा है इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे स्क्वायर बन रहा है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट उसके एरिया फाइंड, जैसे इसकी मिड पॉइंट हो गई, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, जो पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखो हमारे क्या पता है ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर में मिड पॉइंट को ज्वाइन करने में जो फिगर बनता है वो भी एक स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे एक तो बिगेस्ट स्क्वायर हो गया स्क्वायर एबीसीडी, इसका एरिया तो हमें पता है साइड दे रखा है साइड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इनसाइड स्क्वायर की, इसका साइड हमें नहीं दे रखा, इसका साइड फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं बात करता हूँ इन स्क्वायर ए बी सी डी, आपको स्क्वायर ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी का साइड कितना आपके पास 16 मीटर, साइड कितना है 16 मीटर। अब मैं बात करता हूं इन स्क्वायर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की साइड की बात करते हैं। देखो सबसे मेन इंपोर्टेंट है इसके साइड की फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है यहां पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है राइट एंगल, और ये क्या बन गया, एक तरह देखा जाए तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर क्या राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल, तो ये क्या हो गया इसका हाइपोटेंस हो गया एंड इसका साइड हो गया, अंदर वाले स्क्वायर का अंदर वाला स्क्वायर क्या हो गया साइड हो गया एंड इसके अंदर क्या हो गया हाइपोटेंस हो गया इसका ट्राइंगल का। तो यहाँ पे देखो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये 16 मीटर कंप्लीट, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपको 8 मीटर एंड ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि आर पी क्यू आर एस तो क्या मिड पॉइंट है ना, तो ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो इसका साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, एन ट्राइंगल क्यू बी आर क्या हो जाएगा, इसमें क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू रूट एट का स्क्वायर एंड एट का स्क्वायर, बेस एंड परपेंड रूल दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 64 प्लस 64 कितना आ गया आपके पास, क्यू आर इक्वल टू 64 प्लस 64 128 को आप चाहो तो वैसे कन्वर्ट कर दो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 128 के 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो कितना हो जाएगा, तो इनका पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा, इनका पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, इनका पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, ये इसका पेयर नहीं तो रूट में रह जाएगा, तो कितना 2 टू 4, 4 टू 8, 8 रूट 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8 रूट 2, 8 रूट 2 मीटर। ये किसका साइड आ गया आपके पास, इनसाइड स्क्वायर का साइड आ गया। एंड देखो कैसे है, आपको यहाँ पे 16 मीटर, ये 16 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर स्क्वायर में ऑल साइड सारी इक्वल होती है, तो ये 16 मीटर, ये इसकी मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो स्क्वायर में मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो फिगर बनता है वो क्या होता है स्क्वायर बनता है। एंड यहाँ पे ये देखो कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर मिड पॉइंट, तो ये इधर भी 8 मीटर हो गया, इधर 8 मीटर हो गया, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 8 मीटर, ये 8 मीटर हो गया, ये इसका हाइपोटेंस हो गया, ये हाइपोटेंस है लेकिन इनसाइड स्क्वायर उसका साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेंस इक्वल टू क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस भी 8 है परपेंडिकुलर भी 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 128, इसको हमने कन्वर्ट किया तो 8 रूट 2 मीटर आ गया। आपके पास किसका साइड आ गया, इनसाइड स्क्वायर का साइड आ गया। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर या फिर एरिया ऑफ आउटसाइड स्क्वायर माइनस इनसाइड स्क्वायर, एरिया ऑफ एबीसीडी ले लो माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एबीसीडी क्या है स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, इसका साइड है 16, तो 16 स्क्वायर माइनस इनसाइड जो पी क्यू आर से भी स्क्वायर, इसका साइड कितना है आपके पास 8 रूट 2 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 इंटू रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 2। ये देखना इधर होता क्या है, अगर आप रूट 2 इंटू रूट 2 करते हो तो कितना हो गया रूट 4 मीन्स कितना आ गया 2, इसी टाइप यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर है तो मीन्स रूट 2 रूट 2 कितना आ गया रूट 4, रूट 4 का मीन्स कितना हो गया 2 आ गया, और इसके बाद देखो 256 माइनस कितना हो जाएगा 256 माइनस 64 टू जा 128 इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। एंड जनरली आप इसमें यह भी बता सकते हो, इसमें क्या पता चलता है आपको कि अगर किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनता है वो क्या होता है उसके कंप्लीट के एरिया का हाफ होता है, मीन्स इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या रहेगा जैसे 2:1 रहेगा,
2:1। जनरली यहाँ पे क्या पता चला हमें, और किसी भी स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो स्क्वायर बनता है इनसाइड, वो उन दोनों का एरिया का रेशियो क्या रहता है, 2:1। मीन इसका एरिया इसके कंप्लीट एरिया का हाफ होगा। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, इसका साइड 16 है, इसका एरिया 256 है, तो इसका एरिया कितना जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 128, और जो बाकी रिमेनिंग बच गया इसका 128 हो गया। और आपको साइड यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 मीटर दे रखा, तो इसका अंदर वाले एरिया कितना देगा, आउटसाइड कितना, 10 का स्क्वायर 100, तो इसका 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो भी आपके पास जो इनसाइड स्क्वायर बनता है उसका एरिया क्या होता है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद देखो, तो यहाँ पे देखो एक बार इसको दोबारा समझना क्या दे रखा आपको। जनरली आपको पता है कि जो आउटसाइड स्क्वायर इसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन जो इनसाइड स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको साइड फाइंड आउट करना है। तो आप एक बार साइड देख लो, साइड कैसे फाइंड आउट किया हमने, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर हो गया क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी बेस हो गया, ये भी इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू आर इक्वल कितना हो गया, स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 8, 64 प्लस 64 रूट 128, रूट 128 को हमने कन्वर्ट किया 8√2 आ गया, तो 8√2 क्या आ गया, इनसाइड स्क्वायर का साइड आ गया। तो आपको यहाँ पे आउटसाइड स्क्वायर का एरिया निकाला, इनसाइड का निकाला, तो कितना आ गया, 128 मीटर स्क्वायर आ गया दोनों का डिफरेंस। तो आपका जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया आ गया। इसी तरह देखो, मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ शेडेड पोर्शन के, जो आपको होमवर्क में करना है। देखो होमवर्क आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक स्क्वायर दे रखा है, ये शेडेड पोर्शन है, ए बी सी डी, इसका ये है 28 मीटर है यार, एफ बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ 28 मीटर साइड, एफ बी सी डी आपको स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड कितना 28 मीटर। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ये शेडेड रीजन है, इसका इनसाइड एक सर्कल बन रहा है। आपको इसमें फर्स्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, एफ बी सी डी एक स्क्वायर, इसका साइड कितना 28 मीटर। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन है, आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है एंड इसमें एबीसीडी रेक्टेंगल है एंड इसमें क्रॉस है, यहां पे एंड ये आपको दे रखा है 40 मीटर एंड ये दे रखा है 20 मीटर एंड आपके 4 इक्वल क्या दे रखा है इसमें कुछ ग्रास, ये जो 4 इक्वल है आपको यहाँ पे कॉर्नर दे रखे हैं एंड इन कॉर्नर की लेंथ कितनी है, हेयर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, इसमें लेंथ कितना आपके पास 40 मीटर एंड ब्रेथ है 20 मीटर, 4 इक्वल कॉर्नर्स, इन ईच सभी में क्या है, ईच कॉर्नर का क्या है, लेंथ आपको दे रखा है ईच कॉर्नर का 5 मीटर एंड ब्रेथ दे रखा है ईच कॉर्नर का 3 मीटर।
तो फाइन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो क्वेश्चन क्या है एबीसीडी आपको कोई पार्क दे रखा है, इसके अंदर इनसाइड ग्रास है एंड इसपे फोर कॉर्नर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो जो रिक्टेंगल उसका लेंथ 40 मीटर दे रखा है, ब्रेथ 20 मीटर, और जो ईच कॉर्नर है फोर के फोर कॉर्नर्स क्या इक्वल है, तो ईच कॉर्नर का लेंथ कितना 5 मीटर है, ब्रेथ कितना है 3 मीटर है, तो आप क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब जो एक शेडेड रीजन है ना ग्रास वगैरह इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के इनसाइड एक रेक्टेंगल दे रखा है या फिर स्क्वायर दे रखा है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ए बी सी डी इज स्क्वायर और 16 मीटर साइड, देखो आप क्या दे रखा है, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, इसके इनसाइड एक स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड कितना है 16 मीटर, साइड कितना है 16 मीटर, तो आपको इसका एरिया ऑफ जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है, ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर है ओ ए बी, मैं आपको एक चीज पहले बताया था, अभी हमने सर्कल टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन सर्कल में क्या होता है डायमीटर से अगर सर्कमफेरेंस में कोई भी एंगल इंस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे जो डायमीटर है इससे अगर आप यहाँ पे कोई भी एंगल अगर बनाओगे ना डायमीटर से, इस पे कोई भी एंगल बनेगा ना वो हमेशा 90 डिग्री होता है, एंड आपको इसमें दे रखा 5 मीटर या सॉरी 4 मीटर एंड ये दे रखा 3 मीटर, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो शेडेड फोर्स है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये ए बी सी आपको एक वो दे रखा है एंड ये भी इसका शेडेड फोर्स नहीं है, देखो क्या दे रखा है, आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, इसका डायमीटर ए बी है, एंड मैं आपको बताया था सर्कल टॉपिक उन्हें पढ़ा नहीं है, सर्कल में क्या होता है डायमीटर से डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल होता है, एंड इसके अंदर आपको ये 4 मीटर है 3 मीटर है, तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको एक सर्कुलर पार्क है, इसके इनसाइड आपको दे रखा है एक ए बी सी एंड यहाँ पे क्या है यार ए बी इक्वल टू 10 मीटर, ए बी इक्वल टू कितना 10 मीटर है एंड ये शेडेड पोर्शन हो गया, एंड जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 7 मीटर,
then find area of shaded region. देखो क्या देखें यहाँ पे आपको एक ये देखो इस पे सब पे वन वन रो है, यहाँ पे आप क्या दे रखे एक सर्कल दे रखे, इसके इनसाइड एक आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल दे रखे एबीसी, तो आपको शेडेड पोर्शन इसके एरिया फाइंड आउट करना है, एंड आपको रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे 7 मीटर, ये आपको 5 क्वेश्चन करके व्हाट्सअप करना है।